Nirokunga, 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 अरे तूने मेरे बुगु गिरा दिया, तेरी आंखें फूट रही थी क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे एक तो तूने मेरा बुगु गिरा दिया, ऊपर से बोलता है मेरी कोई गलती नहीं है। मार दिया, मार दिया। खबीज की औलाद मेरी कमर तोड़ दी, ऊपर से गलती भी नहीं मान रहा। यूं कह रहा मेरी गलती ना, अभी बता दो साले। इयर 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 छोड़ दे, मार दो, छोड़ दे, ओले इयर इयर ओले ओले साले इयर। मुझे माफ कर दो, माफी दे दो, मुझे माफी दे दो। अभी क्यों मांग रहा है माफी? तुम दे दो तो। क्या कहा हरामजादे, तुझे बोलने की तमीज नहीं है? मैं छोड़ दे, ठीक है अब्बू, बहुत पिट लिया, कहते हो तो छोड़ दे, पिट लिया। जा बे, जा चला, जा जा चला, जा जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, अब नहीं मारूंगा। आ बेटा, चलो अब्बू। हाय हाय, मार दिया साले ने मेरी तो हड्डी पसली तोड़ दी। हाय हाय, मार दिया मुझे। हाय अल्लाह, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? हट 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 हट। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय कमबख्त, मैं तो सारा फूटा पड़ा हूँ पहले से ही। सर बच रहा था, उसे भी फोड़ दिया तूने। हाय अल्लाह, वो कुत्ता, हाय साली कुत्ता बदला रही है मुझे, अब मैं कुत्ता भी हो गया है। अजी मैं तो कुत्ते को मार रही थी। हाय 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 हाय, फोड़ दिया साली, अब मैं कुत्ता हो गया। अभी बताता हूँ तुझे, दुश्मन कहीं की मुझे मार मूर के कुत्ता बदला रही है, ऊपर से बहाने बना रही बहाने। अजी तुम पूरी बात तो सुनते नहीं, मैं तुम्हें कुत्ता नहीं बतला रही, वो घर में कुत्ता आ गया था, मैंने उसको मारा था, वो आपके लग गई। अरे कमबख्त, मुझे तो उन्होंने बहुत मारा है, ऊपर से तेना मेरा तरबूज सा फोड़ दिया, अब उन्हें ही कोसती रहेगी। जा किसी डॉक्टर को बुला ला। अजी आपके किसने मारा? या अल्लाह बेड़ा गर्क हो जाए, उनका नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए जिन्होंने आपको मारा। या अल्लाह कमबख्तों का। अबे मुझे पहले जुम्मन ने मारा, फिर मैं आ रहा था रास्ते में, फिर नवाब मिल गया उसने मारा, अब जैसे तैसे सर बचा, यूं तैने फोड़ दिया। अल्लाह करे इनका बेड़ा गर्क हो जाए, इनका सारा खानदान मर जाए, अब उन्हें कोसती रहेगी। जा किसी डॉक्टर को बुला ला। अजी आप अंदर जाके लेटो, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। जल्दी ले आइए बुला के, मेरा तो दम निकला जा रहा है। हाय हाय हाय। नीना जी ये सब आपके खेत हैं। कल्लू आप आगे जाओ, वहाँ पर खेतों पे देखो पानी चल रहा है कि नहीं, इतने हम यहाँ पे खेत देखते हैं। जी जुम्मन जी सुनो, उस दिन आपको मेरे अब्बू ने पिटवाया था, उस दिन ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं मेरा चोट ज्यादा लगी कम लगी, तू क्या ले अपना काम कर चल। उस दिन मेरे अब्बू ने आपको पिटवाया, मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। अच्छा वो तो दूर होगा। दूर हो गया? हाँ। कैसे? वो लुकमान को पीट के। क्या लुकमान को पीट कर? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब
आपके अबू से पिट कर वो तो ठीक होगा, वो तो दूर की बात है। ऐसे कर अपना काम कर, मेरा दिमाग खाली मत कर। आप तो नाराज हो गए। नाराज ना हो तो पूरे गाँव में मिठाई बटवाऊ। नाराज हो गए, अपना काम कर, मेरा दिमाग खाली मत कर, जा निकल ले। ये साली फंसाने के चक्कर में। को देखने जा रहा था डॉक्टर साहब। पहले मेरे घर चलो, मेरे आदमी की चोट लगी है। नहीं नहीं, पहले मैं मरीज को देख कर आऊंगा। मरीज बाद में देखना, पहले आप मेरे घर चलो। चलो आप जिद करती हो तो आपके साथ चल देता हूँ। डॉक्टर साहब इन्हें जल्दी से अच्छी दवा दे दो, ये तो पूरे फूटे पड़े हैं। हाँ लग तो रहा ऐसा जैसे फूटे पड़े हों। अच्छे फुट्टे पड़े, हाथ दिखाओ जरा। छोड़ दे छोड़ दे। लो छोड़ दिया। अरे डॉक्टर साहब मुझे क्यों दुखी कर रहे हो, मैं तो पहले फुट्टा पड़ा हूँ। भाई साहब पहले चेक तो कर लूँ तभी तो दवाई दूंगा। डॉक्टर साहब ये ठीक कह रहे हैं ना, ऐसी दवा दे दो, इनको आप ही उठा दो। ठीक है मैं उठा देता हूँ। देख खड़ा हो जा, खड़ा भी ना हुआ जा रहा। ये केस तो बड़ा गंभीर है, इन्हें बांधना पड़ेगा ताकि ये हिले डुले ना। ये हिले डुले तो इन्हें दर्द होगा। एक रस्सी ले आओ इन्हें बांधने के लिए। डॉक्टर साहब मुझे मत बांधो, साली बंधवाएगी भी मुझे। ऐसे नहीं लगेगा इंजेक्शन, तुम हिलोगे तो मेरी सुई टूट जाएगी। मुझे अपनी सुई भी तो बचानी है। बहन जी एक काम करो, आप रस्सी ले आओ। अच्छा डॉक्टर साहब अभी लाए। हाँ ले आओ। आए, 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 ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। सही ना बंधा। हाय मर गया। हाय हाय, ऐसे तो बड़े बड़े केस सही कर दिए मैंने, सही हो जाएगा बिल्कुल। अबे आजा बंधु आगे मरवाएगी मुझे, ऐसे क्यों इंजेक्शन लगवावा है मेरे। कैसे कैसे इंजेक्शन लगवाएगी। कैसे कैसे लगवाएगी मेरे इंजेक्शन तो। हाय मर गया। हाय हाय सो जा बेटे आराम से अब। एक काम करो आप मेरी फीस दे दो, मैं चल रहा हूं। वाह बेटा वाह, तू किसका? बताऊँ पहले किसका हूँ? इधर बड़ा हरामी है, ये पूछ रहा पहले तुम बता तुम किसके हो। वाह बेटा किसको आ तू? मैं लुकमान का। लुकमान का? ओवे जैसा बाप ऐसी बेटा, पूरा हरामी है। हरामी है? ओवे डरता नहीं? नहीं डर यार? नहीं डर? ओवे डरता भी नहीं है ये तो। बाप की तरह हो रहा है, शैतान हो रहा। ठीक है बेटा ठीक है, लुकमान का जैसी फालतू बोल रहा है, फालतू बोलेगा जा निकल जा, कभी फालतू बोला तो फालतू बोलेगा। बेटा लुकमान का बतला रहा।
जुम्मन जुम्मन, अरे ओ जुम्मन, सारा दिन सोता ही रह, जा बकरी के लिए घास लिया। भाभी तुम भी मुझे ऐसा काम बताती हो, कोई अच्छा काम बताओ, कोई अच्छा सा काम नहीं बता सकती तुम। बकरी का काम तो तेरे से होता ना है, अच्छा काम क्या करेगा तू। भाभी तुम मुझे पागल मानती हो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सब काम कर सकता हूँ, सब काम। हाँ। जा बकरी के लिए घास लेके आ, ये भी अच्छा काम है। मुझे पता था तुम मेरे बकरियां चरवाओगी, और कुछ नहीं करवा सकती तुम मेरे पे। जुम्मन देख, कोई काम बुरा नहीं होता, मेहनत और ईमानदारी से करो, सारे काम अच्छे होते हैं। मेहनत ईमानदारी अच्छी होती है, ये सही है। ठीक है तो ईमानदारी से करना चाहिए काम। ठीक है तो मैं जा रही हूँ घास लेने, जा रही हूँ मैं। मुझे तो कपड़े धोने हैं। कितना अच्छा पेड़ है, मन कर रहा है कि मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊं और कूदूं इस डाल से उस डाल पे, चलती हूं। भाभी ने घास मंगाई है, भाई घास ला देगा, मेरे ईद पे नए कपड़े बनाएगी भाभी। भाभी मेरी बहुत अच्छी है, ओबे मगर मैं घास लूंगा कहां से, घास वास तो कहीं मिल नहीं रही। ऐसा करता हूँ, सरकारी पेड़ है सारे का तोड़ लेता हूँ, भाभी खुश हो जाएगी। सरकारी पेड़ की चैन दे जाऊंगा तोड़ के, भाभी खुश हो जाएगी। बेटे कपड़े बच के बच के बच के, ओ भाभी का भाभी। चलाने नहीं आती साइकिल, कमबख्त मुझे गिरा दिया, मेरा चोट मार दी। हाय मर गई, तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ मुझे क्यों मारा, एक तो तूने मेरे ऊपर साइकिल चढ़ा दी, साइकिल से टक्कर मार के मेरे ऊपर बैठ गई, और मुझे पूछ रही मुझे क्यों मारा। पता है तुम्हें लड़कियों को मारते नहीं है। बस चुप कर अपना भाषण। हाँ लड़कियों को नहीं मारते, चल लड़की हमारे टक्कर मार दे, हमारा सर को फोड़ दे। तुम्हें पता है लड़कियां नाजुक कली होती है। कली? अभी तेरा बकल उतार दूंगा। मारोगे तो मैं अपने अब्बू से कह दूंगी। अब्बू से कह देगी, चल अब्बू से कह देगी। ठीक है तो ठीक है, अब्बू से मत कहना, निकल चल, निकल चल। तुम कितने अच्छे हो जुम्मन। ओबे बा मैं तो अच्छा हूँ, मगर तेरा अब्बू सही नहीं है। उस दिन पता मुझे लट से पिटवाया था उसने। वो तो तुम्हारी गलती थी ना, तुम अपनी बकरियों को हमारे खेत में चराते ना अब्बू तुम्हें पिटवाते। ऐसा कर, जा निकल ले, निकल ले, नहीं तो अभी सीधी कर दूंगा तुझे। नाजारी जो तुम्हें करना है कर लो, तुम तो मूर्खो मूर्खी रहोगे। ठीक है अगर तू नहीं जा रही तो मैं जा रहा हूँ, फंसा गई मानेगी। जुम्मन मूर्ख तो तुम नहीं मैं हूँ, जो अपना दिल दे बैठी हूँ। अबे ये ना कह रही थी, जुम्मन तुम कितने अच्छे हो, देखता हूँ वाकई में मैं तो अच्छा हूँ, सुंदर हूँ, मैं तो हीरो हूँ। ही ना सही कह रही थी, सही कह रही थी ना, मैं बहुत सुंदर हूँ, सुंदर हूँ मैं। क्या बात है, शीशे के सामने खड़े होके बहुत मुस्कुरा रहे हो। भाभी मैं देख रहा हूँ क्या मैं खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? भाभी मैं नहीं कह रहा, वो हीना हीना नवाब की लड़की वो कह रही थी। क्या कह रही थी? भाभी वो कह रही थी तुम कितने अच्छे हो, कितने खूबसूरत हो, कितने हैंडसम हो, कितने अच्छे हो, भाभी कह रही थी, मुझे कह रही थी। अच्छा हीना ऐसे कह रही थी? हाँ भाभी वो कह रही थी, मैं शीशे में ये देख रहा हूँ मैं कैसा लगता हूँ, क्या मैं अच्छा लगता हूँ। भाभी तुम्हें पता है हीना ऐसे क्यों कह रही थी? क्यों कह रही थी भाभी, मतलब भाभी क्योंकि वो तुम्हें चाहती है और बहुत प्यार करती है। भाभी मुझे नहीं करना प्यार व्यार, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा अच्छा मत कर प्यार व्यार, जा बकरी को पानी पिला दे। हैं? फिर बतला दिया मुझे काम। काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, कल तेरी शादी हो गई तो क्या खिलाएगा? कितनी कह लो, मुझे नहीं करनी शादी वादी, अभी पिलाता सारी बकरियों को पानी, जब देखो काम बतलाती रहे। नवाब साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए अब्दुल मियां
हाय जनाब। और बताइए कैसे आना हुआ? किसी काम से आए थे, सोचा नवाब साहब को दुआ सलाम करते चले। अच्छा किया, चलो इस बहाने दुआ सलाम तो होती रहेगी। अरे अब्दुल मियां, एक काम था आपसे। बताओ काम। बताओ जी। मैं ये कह रहा था कि हमारी लड़की हीना के लिए कोई अच्छा सा लड़का बताओ। ओहो, वो अपनी लड़की हीना जवान होगी? हाँ, हीना जवान हो गई माशाल्लाह। आपको किस तरह का लड़का चाहिए जी? अब्दुल मियां, लड़का मुझे नेक दिल चाहिए, चाहे उस पर दौलत हो या ना हो। अल्लाह का दिया मुझ पर बहुत कुछ है। नवाब साहब, मेरी नजर में तो एक ही लड़का है, पता नहीं आपको वो पसंद आवे ना आवे। अच्छा, तो जल्दी बताओ कौन लड़का है वो। नवाब साहब, वो तो हमारे गांव में ही रहे। क्या कहा? हमारे गांव में रहता है और हमें पता भी नहीं है? नवाब साहब, आप उसे जानते भी हैं? हम जानते? ऐसा कौन लड़का भला? नवाब साहब, वो है सलीम का भाई जुम्मन, बड़ा नेक लड़का है। क्या कहा अब्दुल मियां? जुम्मन और नेक दिल, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता नवाब साहब, मेरा कहना मान लो, ऐसा लड़का दूर दूर तक नहीं मिलेगा। हीना का निकाह जुम्मन से कर दो। तुम अब्दुल मियां कह तो ठीक रहे हो, मैं तो चलो कर दूं, लेकिन क्या वो करेगा? हमने तो एक दिन उस पर बड़े लड़ फिरवाए थे। नवाब साहब, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहे, ये सब बात मुझ पर छोड़ दो, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, काम पक्का करके दूंगा। ठीक है अब्दुल मियां, जैसा आप चाहो ऐसा कर लो, मैं तो हर तरीके से तैयार हूँ, बस मुझे तो लड़का दिल का नेक चाहिए। ठीक है नवाब साहब, अल्लाह के फजल से काम हुआ, मैं सलीम से बात करता हूँ, काम होगा। अच्छा साहब, ठीक है। अच्छा, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, या मेरे मौला, तू बहुत रहमत वाला है, तू सबके काम पूरे करता, मेरा भी काम पूरा कर दे, आमीन। वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। अबे कलवा, खेत को देख के नहीं आए? जा रहा हूँ नवाब साहब। जाओ खेत को देख कर आओ, कोई नुकसान ना कर जाए। जी नवाब साहब। अरे सलीम भाई है के घर पे? ओ सलीम भाई, कौन है भाई? आ जाओ अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। आओ अब्दुल भाई, कैसे आना हुआ? अरे आना क्या हुआ सलीम भाई, वो तेरा छोटा भाई जुम्मन है नी, उसके रिश्ते के लिए आया हूँ। अच्छा, जुम्मन के रिश्ते के लिए आए हो? कहाँ का रिश्ता है और कैसे लोग हैं, और जरा खुल के बताओ। सलीम भाई, वे अपने नवाब साहब है नी, उनकी लड़की है हीना, बहुत खूबसूरत है, बस उसी का रिश्ता है। मैंने सब सुन लिया भाईजान, मुझे शादी वादी नहीं करानी, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। चुप कर और जाकर अब्दुल भाई के लिए पानी लेकर आ। ठीक है, पानी तो मैं ले आऊंगा, मगर शादी नहीं करूंगा। अब्दुल भाई, जुम्मन का कोई लगा बंधा काम तो है नहीं, फिर नवाब साहब हमारे यहाँ अपनी लड़की कैसे दे सकते हैं? वो सब मेरे पे छोड़ दो सलीम भाई, एक बार हाँ कर दो, बाकी सारा काम मेरा है। ठीक है अब्दुल भाई, जैसा आपको अच्छा लगे, हमें सब मंजूर है। अच्छा तो ठीक, मैं कोई सही सी तारीख देख के आपको बताता हूँ। पानी पियो और निकल लो। जुम्मन, ये क्या बदतमीजी है, बड़ों से ऐसे बातें की जाती हैं? चलो अब्दुल भाई से माफी मांगो। भाई से माफी मांगो? अब्दुल भाई जान, मुझे माफ कर दो। जाओ, माफ कर दिया, खुश रहो, मौज ले। ठीक है, अगर तुम यहाँ से निकल जाओ जब तक खुश रहेंगे। अच्छा सलीम भाई, मैं को जल्दी तारीख देख कर आपको इतला कर दूंगा।
अच्छा अच्छा, सलाम वालेकुम अब्दुल भाई। वालेकुम सलाम। हाँ जल्दी निकल लो अब्दुल भाई, निकल लो। हाँ इतना करेगा, इतना करेगा। अबे क्या कर रहा है भाईजान, एक बात सुन लो, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। मैं हर चीज नहीं करूंगा। मैं देखता हूँ शादी कैसे नहीं करेगा तुझे। तो तुझे तेरे बाप को भी करनी पड़ेगी शादी। शादी भाईजान, अब्बू की दूसरी शादी करवाओगे? तेरी जुबान खींच लूंगा, फालतू बोल लेगा तो जुबान खींच लूंगा तेरी। क्या हुआ जो इतने लाल पीले हो रहे हो? देख ले जलील को, ये मुझे कहीं भी सर उठाने का काबिल नहीं छोड़ना चाहता। अरे हुआ क्या? हुआ क्या भाभी, वो यानी अब्दुल सांड बीच तो वो बोके गया और मेरे भाई ने आज तक मेरे एक उंगली नहीं मारी और आज मेरी बुद्धि को लाल कर दिया। तू चुप कर। नवाब साहब ने अपनी लड़की का रिश्ता अब्दुल भाई के हाथ हमारे घर भेजा और इस जलील ने उनकी बेइज्जती कर दी और अब शादी से भी इनकार कर रहा है। जुम्मन आखिर तुझे हुआ क्या है जो इतना अच्छा रिश्ता छोड़ रहा है? भाभी एक बात कहूँ, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे ही ठीक। मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा, मैं तो बाहरे को जा रहा हूँ। जाने से पहले एक बात सुन ले, तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद और जहाँ जाना चाहता है चला जा। बेटा जुम्मन, अगर तू छोड़ कर चला गया तो ना भाभी मिले ना भैया, इससे तो हाँ कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? भैया जो फांसी का बंदा तुम मेरे लिए तैयार कर रहे हो ना, मैं उस फांसी के बंदे को डलवाने को तैयार हूँ अपने गले में, लेकिन तुम्हें छोड़ कर नहीं जा सकता भैया, तुम्हारी कसम है?